कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th की मैथ चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। प्रश्नावली 8.1। 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। इसमें ए बी की वैल्यू दी हुई है 24 सेंटीमीटर और बीसी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दी हुई है और हमें ज्ञात करना है एसी की वैल्यू और बी समकोण त्रिभुज है। और हमें पता है कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। अब हम सॉल्व करेंगे। त्रिभुज एबीसी में बी कोण इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। इसमें एबी की वैल्यू दी हुई है, बीसी की वैल्यू दी हुई है और हमें फाइंड करनी है एसी की वैल्यू, इसलिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी है 24 का स्क्वायर प्लस बीसी है 7 सेंटीमीटर तो 7 का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576 एंड 7 का अंडर 49। एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 625। अब इस साइड स्क्वायर रूट हट जाएगा का स्क्वायर रूट। अब एसी भुजा आ गई, अब एसी की वैल्यू हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे फर्स्ट सॉल्व। साइन ए कॉस ए
अब इसमें कौन को ए को कौन मानेंगे, क्योंकि साइन ए इसलिए कौन ए को मानेंगे, बी 90 डिग्री और कौन के सामने वाला लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और ये बचा ये आधार। और हम सब जानते हैं कि साइन साइन की साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब हो जाएगा बीसी और कर्ण हो जाएगा एसी। तो बीसी की वैल्यू 7 है, एसी की वैल्यू 25 है, तो हो जाएगा 7/25। अब आ जाएगा कॉस ए, इसमें भी थीटा ए को ही मानेंगे क्योंकि कॉस ए इसलिए, और कॉस का फॉर्मूला होता है आधार अपॉन में कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी। आधार की वैल्यू है 24 और ए सी की वैल्यू है 25। ये फर्स्ट हो गया, अब हो जाएगा सेकेंड। सेकेंड है साइन सी, कॉस सी। बी 90 डिग्री। अब की बार कौन थीटा सी को मानना है क्योंकि साइन सी है और साइन कॉस सी है, इसलिए थीटा सी को मानेंगे। थीटा के सामने वाला लंब, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण और बी सी आधार हो जाएगा। ए बी की वैल्यू 24, बी सी की 7 एंड ए सी की हो जाएगी 25। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। इसमें लंब है ए बी बटा एसी। एबी की वैल्यू है 24 अपॉन में एसी की वैल्यू है 25। ये हो गया। अब हो जाएगा कॉस सी। कॉस सी का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार हो जाएगा बीसी, कर्ण हो जाएगा एसी। बीसी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और एसी की वैल्यू हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। ये दोनों पॉइंट सॉल्व हो गए। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।